हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे GSM राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है रेडमी नोट 7 प्रो, और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना दी है किसी दूसरे शॉप कीपर ने। तो उसके बाद ये फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाया तो मेरे पास आया है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले कनेक्टर पर डिस्प्ले के जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं वो यहाँ से तोड़ दिए हैं। उसके साथ साथ कुछ कैपेसिटर भी लगे हुए हैं वो भी तोड़ दिए हैं। यानी कि टोटल यहाँ पर जो डिस्प्ले की लाइनें हैं जो कि 10 कंपोनेंट लगे हुए हैं वे यहाँ पर तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी है। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई क्यों है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्लू लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये ग्लू लगा हुआ है तो ग्लू की वजह से शायद ये जो प्लस केबल है वो निकालना नहीं आया, या फिर किसी जो शॉपकीपर है वो थोड़ा अच्छी नॉलेज ना है उसके पास, उसके कारण ये प्रॉब्लम बनी है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अब बड़ी प्रॉब्लम मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़ी प्रॉब्लम ये बोल रहा हूँ, मान के चलते हैं किसी के पास कोई सेम बोर्ड ना हो या फिर कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन स्मैटिक टूल ना हो, तो वो कंपोनेंट कैसे जानेगा कौन सा कंपोनेंट यहाँ से उखड़ा है, प्लस यहाँ पर क्या वैल्यू का कंपोनेंट उखड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे कंपोनेंट यहाँ पर उखड़े हुए हैं, और ये पूरे यहाँ पर आपको गिन के बता देता हूँ, ये पूरे 10 यहाँ पर कंपोनेंट हैं। अब ये कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा रजिस्टर है, ये थोड़ा पता करना थोड़ा हार्ड होगा। कैपेसिटर को तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो एक पिन होती है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, बट जो कैपेसिटर है उसकी भी वैल्यू भी चेक करनी पड़ती है डिस्प्ले लाइन में और यहाँ पर टच लाइन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मैटिक टूल में जाएंगे और यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या यहाँ पर उखड़े हुए हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले का कनेक्टर पर हम जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट यहाँ पर शो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पर 2 कैपेसिटर और लगे हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे 10 कंपोनेंट उखड़े हुए हैं और ये हमारे डिस्प्ले प्लस टच के कंपोनेंट हैं यहाँ पर। तो इसे चेक करने के लिए, यानी कि इसकी वैल्यू है वो क्या है, उसे चेक करने के लिए हम एक बार हार्डवेयर सॉल्यूशन में देख लेते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या वैल्यू दे रखी है, नहीं तो हम स्मैटिक के लेआउट में चेक करेंगे, डायग्राम में चेक करेंगे। तो यहाँ पर दे तो रखा है रजिस्टर का, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ये स्मैटिक जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है वो नोट 7 प्लस नोट 7 प्रो का दिखाया है, बट यहाँ पर नोट 7 में 4 रजिस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर स्मैटिक में देख रहे हैं तो यहाँ पर 5 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो हम स्मैटिक के थ्रू ही काम करेंगे और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसके जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है, क्या यहाँ पर वैल्यू है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डायग्राम में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद इसे हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं जो कि 1K 1K वैल्यू के हैं। तो हम यह क्या करेंगे कि हम किसी दूसरे मदरबोर्ड को लेंगे और उसमें से यहाँ पर निकाल के लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो मदरबोर्ड में कंपोनेंट टुकड़े हुए हैं वहाँ पर पहले हम इसे क्लीन करेंगे, जो कि मैं थोड़ा सा प्लक्स डाल के और यहाँ पर थोड़ा PPD पेस्ट भी डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो रजिस्टर है कैपेसिटर है वो आसानी से कंपोनेंट वो लग जाएँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम थोड़ा इसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर सारे कंपोनेंट लगाएंगे। और यहाँ पर ये कंपोनेंट हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि हम जैसे उसे कंपोनेंट लगाते हैं छोटे कंपोनेंट, तो वो हवा से एयर से जो SMD की एयर से वो हट जाते हैं या फिर उड़ जाते हैं। तो उसका भी यहाँ पर सोल्यूशन बताने वाले हैं। और यहाँ पर सारे कंपोनेंट हैं हम विदाउट माइक्रोस्कोप के लगाने वाले हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हम विदाउट माइक्रोस्कोप के लगाएंगे और बहुत आसानी से लग जाएंगे। थोड़ा ट्रिक बताऊंगा और आप उस ट्रिक को फॉलो करना, तो आप भी लगा सकते हैं। आप ये ना घबराएं कि ये ना लग पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसी दूसरे मदरबोर्ड को ले लेंगे और यहाँ पर जो साइज़ का जो वैल्यू का कंपोनेंट है उसे निकाल लेंगे। जैसे कि हमारी जितने भी पाँच रजिस्टर लगे हुए हैं वो बन के वैल्यू के हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर वन के रजिस्टर मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा वन के का है और यहाँ पर और भी देख लेते हैं तो ये भी हमारा वन के का है और ये हमारा 1.5 का है। तो यहाँ पर सारे कंपोनेंट जितने भी रजिस्टर हैं वो चेक कर लेंगे। हमारे लिए पांच रजिस्टर चाहिए जिसमें हमारे लिए तीन मिल चुके हैं और ये वन के, हाँ ये भी वन के का है, यानी कि हमारे लिए चार रजिस्टर मिल चुके हैं वन के का। तो एक बार हम और देख लेते हैं, एक कंपोनेंट और चाहिए हमारा, एक रजिस्टर और मिल जाए। नहीं मिलता है तो हम 1.5 के का ही लगा के देख लेंगे। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो हम किसी दूसरे मदरबोर्ड में से निकाल के लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए चार ही मिले हैं तो हम कोई बात नहीं, हम इसे निकाल के लगा देते हैं। अगर नहीं चलता है, थोड़ा अप डाउन चल जाता है, अगर थोड़ा सा अप हो या फिर डाउन हो वो रजिस्टर चल जाता है। बट ऐसा नहीं होता है कि 1K का रजिस्टर है हम 0 ओम्स का लगा दें या फिर उसे शॉर्ट कर दें या फिर 100 ओम्स का लगा दें, तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। तो हम 1 बाई 1 इसके सारे जो कंपोनेंट हैं वो लगाएंगे। सबसे पहले हम कैपेसिटर को लगाएंगे यहाँ पर, और सबसे पहले हम सेफ्टी के लिए जो कि जो प्लास्टिक कनेक्टर होता है डिस्प्ले का, उसे हम सिल्वर टेप से कवर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना बने और यहाँ पर जो कनेक्टर है उसमें प्रॉब्लम ना आए और पेस्ट फेस्ट ना जाए इसलिए और जले नहीं, इसलिए हम इसे सेफ्टी का ध्यान रख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने कनेक्टर को सेव कर लिया है, अब इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर 1 बाई 1 हम मदरबोर्ड में से निकालेंगे और इस मदरबोर्ड में लगा देंगे सारे कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 लगा देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम कैपेसिटर को लगाएंगे। और फ्रेंड यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है मेरे साथ क्या हो गया आप लोगों को बताना भूल गया कि जो हमने टेस्ट किया है वो यहाँ पर रजिस्टर को टेस्ट किया है, रजिस्टर की वैल्यू चेक करके बताई है मगर कैपेसिटर को यहाँ पर चेक करके नहीं बताया, क्योंकि कैपेसिटर को भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टच लाइन और यहाँ पर डिस्प्ले लाइन में। तो उसकी वैल्यू चेक करने का तरीका आपको नहीं बता पाया और क्या वैल्यू का था वो मैं भूल गया आपको बताने के लिए। तो कोई बात ना, नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका एक पार्ट और आएगा उसमें आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 सारे कंपोनेंट लगा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर है वो उड़ चुका है। अब ये उड़ा क्यों है, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हमने यहाँ पर प्लग पेस्ट है वो डालना चाहिए और वो ख़त्म हो गया था इसलिए। अब यहाँ पर जब कभी भी कोई भी कंपोनेंट लगाएं तो यहाँ पर प्लग पेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिस एरिया में लगा रहे हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाता है वो जल जाता है या फिर इधर उधर बह जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारे 2 कैपेसिटर लग चुके हैं, अब रजिस्टर लगाएंगे और जैसे ही हमारा फ्लक्स पेस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसको भी हम यहाँ पर बार बार यहाँ पर लगाते रहेंगे, नहीं तो हमारे जितने भी स्मॉल साइज़ के कंपोनेंट हैं वो उड़ जाते हैं एयर में। और एयर को आपको कम ही रखना होता है ऐसे कंपोनेंट छोटे छोटे लगाने में। और यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि ये टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे कंपोनेंट लगाने, यानी कि 10 रजिस्टर कैपेसिटर और रजिस्टर लगाने हैं। तो इसे हम थोड़ा हार्ड काम है, इसमें जो स्पेस है बहुत बहुत कम है। तो यहाँ पर हम बाद में इसे सेट कर लेंगे जैसे ही हम सारे कंपोनेंट लगा देंगे। उसके बाद हम SMD की एयर और हीटिंग सेट करके और ट्वीजर्स की मदद से हम सारी को सेट कर देंगे। वीडियो को पूरा देख लेना है, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर टेढ़े मेढ़े ही लगा देना है आपको, आप चाहें अगर आपका स्पेस सही है तो आप एक ही बार में फिक्स कर देना है, नहीं तो बाद में आपको सेट कर देना है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट था वो लगाया नहीं है, कंपनी का ही लगा हुआ है, इस तरीके से ही लगेगा। आप वीडियो को पूरा देख लें। और जो कंपोनेंट नहीं लग पाते हैं उसमें क्या होगा कि हल्का हल्का प्लग पेस्ट डाल देना है और थोड़ा सोल्डिंग कर देना है, और या फिर अपना जो
उसका लोकेशन है इधर का उधर कर देना है, विपरीत में कर देना है, उसके बाद ये लग जाता है। थोड़ा सा काम हार्ड हो जाता है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के कंपोनेंट आ रहे हैं और थोड़ा काम हार्ड हो चुका है। विदाउट माइक्रोस्कोप के करना थोड़ा काम हार्ड हो जाता है, बट आप विदाउट माइक्रोस्कोप के भी काम कर सकती हैं। मैं माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो मेरी शॉप है वो रोड के किनारे है, तो वहाँ पर कुछ धूल माटी यहाँ पर उड़ती रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ कभी दूसरी दुकान चेंज करने को मौका मिले, दूसरी दुकान पे पहुँचे उसके बाद माइक्रोस्कोप लें, तो इसलिए मैं थोड़ा रुका पड़ा हूँ। एक तो माइक्रोस्कोप प्लस कैमरा और अच्छी क्वालिटी में वीडियो दूंगा, बट यहाँ पर अभी भी आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो दे रहा हूँ मैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर वन बाई वन हमने सारे कंपोनेंट लगा ही चुके हैं। यहाँ पर दो कैपेसिटर और लगने वाले हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ये मेरा SMD मशीन है वो इन्वर्टर पर चल रही है और कितना अच्छे से काम कर रही है, कितना अच्छे से काम कर रही है SMD मशीन इन्वर्टर पर चलने के बावजूद भी। देख सकते हैं ये थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, अगर आपको मॉडिफाई करना नहीं आता है तो आप बता देना, जिनके यहाँ पर लाइट प्रॉब्लम होती है तो वो भी इन्वर्टर पर चला सकती हैं, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हमारे टेढ़े मेढ़े हैं ये सारे अभी कंपोनेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्स फेस्ट डालना है, उसके बाद यहाँ पर सही जगह पर लगा देना है। तो थोड़ा हम हीट देंगे सारे कंपोनेंट को, उसके बाद हम वन बाई वन इसे सारी सही पोजीशन में लगा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मूव करा देना है और वो अपनी जगह पर सारे बैठ जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा कंपोनेंट लगाने हैं और स्पेस कम है तो आपको टेढ़ा मेढ़ा ही लगा देना है, उसके बाद आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो सारे कंपोनेंट है वो लग चुके हैं। एक बार हम सिल्वर टेप को हटाकर और इसे सारे जितने भी कंपोनेंट हैं और यहाँ पर प्लग फेस्ट गया है वहाँ पर हम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको भी क्लीन करना होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो यहाँ पर हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारी जो कंपोनेंट है वो सही जगह पर लगे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वन बाई वन हमारी सही पोजीशन में लग चुके हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही जाएगी। और ये शॉपकीपर का फ़ोन है, मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है और उससे कस्टमर लड़ रहा था। तो ऐसी गलती ना करें, थोड़ा सावधानी से काम करें, कस्टमर को टाइम दे के काम करें जो जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं। तो देख सकते हैं हमारी जो सारे कंपोनेंट है वो सही जगह पर लग चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसे टेस्ट करने की बारी है। तो यहाँ पर जो कॉम्बो है वो अपना जो दूसरा शॉपकीपर के पास से आया वो ही खुद डालेगा, अगर वो डलवाता है तो हम बाद में बात करेंगे। बाकी का इसी कॉम्बो पर हम चेक करा देते हैं कि जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो पाई है या नहीं हो पाई है। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर सारी लाइनें थी वो डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तो हम इस मदरबोर्ड को लगा देते हैं, उसके बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा ग्राफिक्स बना नहीं बना और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी का एक कॉम्बो भी ख़राब है, टूटा हुआ है, कॉम्बो चेंज करने के लिए आया था दूसरी शॉपकीपर के पास, तो उसने ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना दी। और ऐसे केसेस में आप कस्टमर से अच्छे दाम भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन टूल है या फिर कोई से मदरबोर्ड है तो उसमें से आप फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारी फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर जो कॉम्बो है वो यहाँ पर ब्रेक है, तो बाकी का यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स है वो सब कुछ दिख पा रहे हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाई है। तो देख सकते हैं इतनी आसानी से मैंने कर दिया और विदाउट माइक्रोस्कोप के यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर टच भी प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि इसका डिस्प्ले वो टूटा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं, वर्क तो कर रहा है बट यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं ऑन ऑफ बटन दबा के या फिर जैसे भी है, नहीं तो कॉम्बो तो चेंज होना ही होना है। बाकी का हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही गया है, अगर टच प्रॉब्लम शायद लग रही है टच प्रॉब्लम। तो एक बार मैं कनेक्टर को देख लेता हूँ सही जगह पर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक बार मैं ऑन ऑफ बटन को भी दोबारा से और वैसे थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑन ऑफ बटन दबाते हैं, देखते हैं यहाँ पर सही सब कुछ सही लगा हुआ है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कॉम्बो प्रॉब्लम है शायद। तो तब भी देख लेते हैं हमारी प्रॉब्लम है, टच की अभी रह गई है शायद, नहीं टच चल चुकी है इसमें, थोड़ा कॉम्बो प्रॉब्लम है, बाकी का हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
ऐसी हम मोबाइल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।